जगत में जीवन कर्म धार, और कर्म कत भोग रहा संसार, कर्म से मिल जाते करतार, कर्म कर देता बेड़ा पार, जैसी ओ जैसी करने पाथो वैसा फला, खाली पा जैसी करने पाथो वैसा फलो। नारायण का नाम नहीं, नरक धक्के खाता फिरता मिलता कभी आराम नहीं। कर भजा है जिसने नारायण का नाम नहीं, नरक धक्के खाता फिरता मिलता कभी आराम नहीं। चंद्रोज की जिंदगानी पापों से भर को नाम नहीं, है बेभाव भर का सौदा लागत पैसा नाम नहीं। जिभ्या नहीं वो सरपिन है जो भरती राधे श्याम नहीं, जिभ्या नहीं वो सरपिन है जो भरती राधे श्याम नहीं। कहे राधे उसका तो के तू नाम पुकर पर नाम नहीं, ज्ञान से पटक के ना मारो। कहे राधे उसका तो के तू नाम पुकर पर नाम नहीं, ज्ञान से पटक के ना मारो। गोपाल हमारा खलीफा मैंने तीन बूंद की बात पहले बताया, और जब से शुरू किए वही तीन बूंद से आगे इनके पास एक बूंद नहीं है, क्योंकि तीन बूंद जिंदगी के लिए बहुत है। तीन ही बूंदों को मिलेगा। और खलीफा जी, मैंने पहले गीत में क्या गाया था कि जीनी का कहते हो तुम शक्ति माता, निरगुण निरंजन से जीवन है नाता, वह शक्ति का निरंजन भंडार रचाई गई दुनिया जतन से। शक्ति निरंजन का मिल गा चुवग है, और कीना निरंजन शक्ति से भुवग का मतलब है जो हम गायो है गाऊ, जो हम जो देव है जो तो हम थूक दे हुए चटो। क्या मतलब है शक्ति निरंजन का मिलकर जीवन है, कीना निरंजन शक्ति से भुवन हुआ ब्रह्मा विष्णु का अवतार, रचाई गई दुनिया जतन से, पांच तत्व का बाप निराकार। क्या गाया आपने? जो मैंने कहा उसी को आप बार बार, मैंने कहा कि आज भगवती सोच समझ के ऊपर हाथ उठाया है, गिरा बूंद गधे के बीच में, गिरा बूंद आकर के गदोरी सुनो जो हम गाया है। तीन बूंद महामाया ने जिस समय मांगे पाया है, ब्रह्मा विष्णु सहेश त्रिदेवों को उपजाया, वह तुम गा रहे हो। का हो वाले खलीफा भैया, अगर वहां बात गलत हो तो बताओ, हम गाय रहे या बात के लिए गाय रहे, वह चीज गा रहे हैं। तो जवाब का ये नहीं मतलब है क्यों ना अपन जोते रहो, कुछ हमारे सुनो। मैंने कहा आग हवा माटी और पानी, ईमा कौन मर्दाना राम, कौन बड़ा कौन छोट खोट अलग अलग पता न थे, पांचों बराबर है ना। मेरा दावा है पांचों बराबर नहीं है, बोला खलीफा जी ये पांच तत्व काया है, लेकिन हवा निकल जाए तो का कोनो राके है कोनो राके, कहीं जल्दी ले चलो दफर कह दियो, कौन मोहल्ला खलीफा दफर हो जी हो। कल इस शरीर से जब वायु निकल गई, कहल पैर कहे तुम जहां कहो, हम हुआ तलक पहुंचाई दिया, कान का भात कहीं सब पड़े पड़े, तोर बिगड़े काम बनाई दिया, और कान कहे दुनिया की रंग सुनिएगा, आँख कहे दुनिया की रंग तुमको देश दिखाई दिया, कान कहे दुनिया जी तो आँख कहे दुनिया की रंग तुमको देश दिखाई दिया, कान कहे सब भले बुरे हम पाके तुम्हें सुनाई दिया, जान कहे तुम चार पड़े तो हमका
हवा निकल गई, ये चारों बेकार हो गए। खलीफा जी अगर नहीं, मैं तो कहता हूं माफी मांगने के, मैं हमसे माफी मत मांगो, माफी मांगो समाज से, जो तुम जवाब नहीं देते हो, केवल अपना हुआ करते हो, और केवल बुढ़ौती के फायदा भोगने का। देखो बुढ़ावा रह रहे हैं, बुढ़वा नहीं छोड़, आप बुढ़वा जाते तो छोड़ी थे, और तू वही माँ लबर लबर क्या यार, तुमको कहे कुछ कहना भी नहीं ठीक, नक हो तो नहीं ठीक, इसलिए कहा कि सूरज से बिल्कुल गुलफाम लगते हो और बोलते हो तो काला जाम लगते हो, लेकिन मोहनलाल खलीफा जवाब का मैं पूरे झंडू बांध, जोर में गा चुका हूं। शक्ति निरंजन को मिला जो है कीना निरंजन, शक्ति से भोग है हुआ ब्रह्मा, वही कथा बार बार गा रहे। आइए फिर आइए, कहना पड़ा है हा, अरे रचाई दीन तीन दियो मिल कहे रचाई दीन, रचना तीन दियो मिल के रचना का हो सुने धर, अरे तीन जनी ढूंढई निकारी ना है, तीन जनी ढूंढे निकारी ना है, सजना तीन दियो ढूंढे निकारी देखे, सजना तीन दियो ढूंढे निकारी ना है, अरे निकारी ना है सजना निकारी ना है, सजना तीन जनी ढूंढे निकारी देखे, सजना तीन जनी ढूंढे निकारी देखे। अरे अरे सुनो हमारी मैया, अरे हम का बताओ मोरे कहा है बबैया, प्रभा कहीं की सुनो हमारी मैया, हम का बताओ कहा हमारे बबैया, अरे देखा न उनका बिले न कभी सपना तीन जनी ढूंढई चली देखो, सजना तीन जनी ढूंढई चली देखो, सजना तीन जनी ढूंढई चली से। अरे कहा पर बात है हम तो पुता करीबे, और अपने पिताजी को तब दर्शन, अपने पिताजी के जब दर्शन पीबे, अरे चल बूढ़े पिता कहा पहुंची गए, चपना तीन जनी ढूंढई चली देखो, सजना तीन जनी ढूंढई चली देखो, सजना तीन जनी ढूंढई चली से आज्ञा ले हा, काफी समय जब प्रभा बिताई ने, अरे काफी समय जब प्रभा बिताई ने, तब शक्ति अष्टंगी से वचन सुनाई ने, पता लगाओ कहां का गले ललना तीन जनी दिए कौन चली ढूंढे, शकना की और कर शक्ति का रचना की जब आरंभा, मझले भले विष्णु जियठ भय ब्रह्मा, और मैंने क्या गया था खलीफा जी की जिला दीजिए मेरे भाई, जो धरती पर पड़े हुए अमृत बोल गिराया माता उठकर तूढ़ो खड़े हुए, छोटे शंकर मझले विष्णु ब्रह्मा जी है बड़े, गया था कि नहीं गया था बाबू, ना बाबा ना बाबा ना, अगर नहीं मालूम है हाथ जोड़ के चुप पे बैठ जाओ, यहां पर बहुत गाने वाले बैठे हैं, लेकिन खलीफा जी अगर जोड़ लियो, जैसे कहा छोटे शंकर मझले विष्णु ब्रह्मा जी, तो फिर मझले विष्णु जेठ भय ब्रह्मा, हाँ मतलब है वही लाइन वही लाइन, एक कहो सी एक पूरी आगे तो बढ़ो कैसे कैसे, अरे कहा पता लगाऊ कहा का कले ललना की
भवानी तुम्हें मनाया करते हैं, घमंड की
दिल के अंदर बच्चों से गाया करते हैं, अगर घमंडी कोई मिले तो उसे नचाया करते हैं, चुरमने का घर हमेशा चलाया करते हैं, ज्ञान मना सुन करके ये साजन शर्माया करते, साजन शर्माया करते हैं, सच्चा बुझार है, लीला दिखाया मालिक वही कीड़ाकार है, जिसका रूप रंग रेखा नम्रता सुमार है, साजन कहीं मिले पूरा लीला गवार है, का भाव मिलता ना सच्चे सरकार है, रच दिया पांच तत्व में मिलता सुनार है, बंदिया पर है एक अकेला जो मालिक है कहलाया, आग हवा माटी पानी पांचों को वो ही फिरकाया, सुनो कथा अपने पूर्व में भय में जाता गाया, बदकर कर को मार दिया धरती जब पर भोरा चाया, आग दिशा में खड़े है दरकल लिखा पुराणों में पाया, पांच तत्व का बना कपिला मानुष पर है ठहराया, दुर्मंगल के चेलों का पाया घोड़ा रोक नहीं पाया, कर दिया कलम पुछारी जी, आज परम की ज्योति इस पिघला में जब बैठारी जी, उनके पिघला लगा है चलने मार मार गिरतारी जी, लगा चीरने तब पिघला कहता है पाप भातारी जी, तेरे साथ में जाने की हैसियत नहीं तुम्हारी जी, निराकार की ज्योति खड़गम फैली जब मुझे यारी जी, ज्ञान हमारा सुन करके साजन के हिम्मत जी, पांच तत्वों का बाप निराकार, दिखाए रहे हो काहे निखरा, कोई जवाब नहीं, फंसा है ज्ञान राज झगड़े को निपटाना है, बिना नाम के नहीं रूप के ठिकाना, तो कहे रूप से जुदा दिखाना, गवैया रे रूप से जुदा, देखिए मैं रूप से जुदा आपको दिखाता हूं, कैसे अरे कहा हमका गवैया मिला पूरा बेकूप है, और बता दे हवा के कबूल, बताओ करिया है गुवर है उज्जर है लंबी है चौड़ी है कौन रूप है, अगर तुम्हारा रूप न खटक हुई तो बतायो, अरे हमका गवैया मिला पूरा बेकूप है बता दे हवा के कवल रूप है बता दे हवा के कवल रूप है, अगर दोस्तों बात में दम हो तो मानिएगा, और बात अगर गलत हो तो मत मानिएगा, अगर ये कहते रूप से जुदा हवा का ये रूप बतावे, अगर ये अपने उस्ताद के असली चेला है, अभी खड़े होकर कहेंगे किसी के पेट में इंद्र घुस गए और गर्भ के वंचास टुकड़े कर दिए, उससे वंचास पवन हुए ना, वंचास पवन से पहले हवा थी, इसीलिए कवि ने लिखा है अरे हमका कवैया मिला बे कूफा बता दे हवा के कवल रूप है बता दे हवा के कवल रूप है बता दे हवा के रूप है बता
सीर फल पे आया है सीने पे तुम्हारे आगे अरे छाती पे तुम्हारे देखो खड़ा है चोर न मालूम तो बैठ जा चुप है बता दे हवा के कवल रूफा बता दे हवा के कवल रूफा बता दे हवा के से जुदा रूप से जुदा अगर नहीं होगा तो बताइएगा खलीफा जी ये तो कहो ये सब आपस के लोग है समझने वाले लोग है और कहीं अगर तुम बाहर होते तो अब तक कान पकड़ के बैठा दिए गए हो लोग कहते गाँव इसलिए बेचारे बुढ़वा है वरना तुम्हारे बस की बात नहीं है कि एक लाइन छू सको मैंने केवल एक लाइन पूछा और पूछा था चार अजूब का उत्पत्त चार अजूब का उत्पत्त बताऊंगा एक एक लाइन बताऊंगा हा अरे भैया नवा चार अजूब कहीं सुनो अरे जन्म वा चार अजूब कहे जन्म चार जुग कई हो सुनो अरे सायर पिया जो आज जवाबी गाने मा तुम होई गयो बारा बात कर बे सभाबी के मात में खटाई का नवा जब बाबा चारो जुग है सुनो कर बे आज सभाबा तू और खटाई का नवा जब बाबा चारो जुग है सुनो दारो पिया तुम नली मिले पया नवा जब बाबा चारो है प्रगति सुनो खोल के काल चारों मुख से चार जुग का वह जन्म है श्री महान बेटे विधिका का लिखा हुआ विधान हुआ जन्म हुआ चार जुग के सुनो चारों मुख से चार जुगों का उद्भव हुआ चारों जुगों का जन्म हुआ और चार वेद श्याम वेद यथर वेद इतर वेद ऋग वेद ये ब्रह्मा जी के मुख से चार वेद और चार युगों का जन्म हुआ सुनिएगा और त्रियोदशी को सतयुग लागा त्रियोदशी को सतयुग लागा सुनो खोल कर काल त्रियोदशी को सतयुग लागा सुनो खोल के काल अरे कार्तिक महीना रहा कवैया अरे हुआ नहीं परेशान सारा जिहिया ऊपर बैठी करे बचावा जब चाहे तू देखे सुनो कौन पिया के नली खाली है बयनवा जब चाहे तू देखे सुनो कौन पिया के नली खाली है बयनवा जब लागा है पंचो अरे हुई है पूरन मासी रहा या हनुमान
सुनना सुनते रस का क्वापर लागा भाई द्वापस द्वादश महीना सुनते रस का क्वापर लागा भाई अष्टमी भादो में है जन्मे किशन तृतीय अष्टमी भादो महीना और जन्मे किशन कधाई पापी कल से जो ना कहना है चारों दूधी के सुनो चोले चार पियादा मामी ताया है बयान नवा जन्म हुआ चारों दूधी के सुनो चार पियादा लंगर मिलता जोड़ बयान नवा जन्म हुआ चारों और एक समय कलयुग का पंचो हुआ है अहंकार राजा पैर ने निकल लिया है कहता भेद पुकार अरे मुनि शाप से मथर भवा राजा बेन के काया से कलयुग जन्मा जब काया कर किया मथनवा जन्म चारों जुगों का सुनो जुदा पिया कलंगर मिलता जो नया नवा जन्म चारों जुगे के समाई अमृत शरीर राजा बेन के ऋषि ने किया मथाई अरे राजा प्रथो एक कन्या पैदा तुम कभी सुनाई गावे राम गोपाला मैठ मई हाथा नवा जन्म चार चूह सुनो चवन दिया तेलंगार चवन दिया तेलंगार मिलता है बया नवा जन्म चार चूह सुनो चवन दिया तेलंगार मिलता है बया नवा जन्म चार चूह गीत का जवाब चारों युगों का जन्म ब्रह्मा जी के मुखमंडल से हुआ और राजा बेन ने जिस समय कलयुग का आहार कर लिया तो मृत उपरांत राजा बेन की शरीर के मथन हुई और उसे राजा पृथु और पृथ्वी नाम की कन्या उसके बाद में सरस्वती और साथ में कलयुग का उद्भव हुआ बाय नितंब से कलयुग का प्रादुर्भाव हुआ खलीफा जी उम्र में तुम चाहे तो बड़े हो लेकिन ज्ञान में भी मेरे बच्चे हो और आइए एक छोटा सा प्रश्न मेरी तरफ से जवाब देने की कोशिश करिएगा अरे बड़े बड़े पीरी रहे है व्रतधारी और होली के पराजित चली ना हुसी वही दे पराजित चले ना होशियारी आर्य भय भाव चक्के गिनत न बनले मुरझाए गए खाली भाती और आदि शर्म है और धर्म के साथ लड़ा बल्कि
शायर हो जो तो मिटाई दियो संगा और नहीं महाभारत न युद्ध हुए नहीं महाभारत अरे न युद्ध हुए लंका अरे अगर खलीफा भोजरे घाट बर्मा विष्णु महेश अनसुईया द्वारे ग्रह मुरझाए ग्रह कहते शक्ति ने तीनों को जला दिया वहां मुरझा गए ना। देखिए खलीफा जी कि नायर हो यो तो मिटाए दियो शंका अरे नहीं महाभारत न युद्ध हुए लंका अगर खलीफा तुम पायो गुने गुने झाएगे अरे अगर खलीफा तुम पायो गुने गुने झाएगे अपुरा झाए गए तरफ की नौजने गुने झाएगे चले पड़े हैं अलबेले अरे दंगल माँ गाँव अकेले अरे सईदी का फरा पर हर महाने मुरा झाइगे मुरा झाइगे ये तरफे तीनों जने मुरा झाइगे मुरा झाइगे ये तरफे तीनों जने मुरे ओ गुधरा की जैसी करने प्राप्त हो वही सब जगत में जीवन कर्म प्रधान कर्म से विकसित होता ज्ञान कर्म से बनता जन सुभान कर्म से मिल जाते भगवान सबसे श्रेष्ठ कर्म का रहे धन्यवाद।